बसमिल रहीकम फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियर से होंगे हमारे चैनल ऑल इन वन पर आप सब दोस्तों का वेलकम है मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इमरान फ्रेंड 12 अगस्त 2020 को सऊदी अरब से जितनी भी फ्लाइट पाकिस्तान जाएंगी तीन बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाहौर इस्लामाबाद और कराची के लिए वो कम्प्लीट डिटेल में आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूंगा वो ये तमाम फ्लाइटें जो हैं वो कन्फर्म फ्लाइट ही होती हैं जो इस शेड्यूल के अंदर में बताई जाती हैं तो फ्रेंड चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ सबसे पहले हम चेक करेंगे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रियाद से तकरीबन दो फ्लाइट का शेड्यूल है जो पहली फ्लाइट है तीन बज के पचास मिनट पे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी बारह अगस्त दो हजार बीस को इस फ्लाइट का नंबर है एक्स वाई थ्री वन सेवन ये एक्सपेक्टेड है ये पहुंच जाएगी और सेकेंड जो फ्लाइट है वो पांच बज के पचपन मिनट पे बारह अगस्त दो हजार बीस को रियाद पहुंचेगी पी के सेवन टू सिक्स जो एक्सपेक्टेड है इनशाला वो लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पांच बजकर पचपन मिनट पे पहुंच जाएगी और फ्रेंड सेकंड जो लाहौर के लिए जद्दा से तकरीबन पांच फ्लाइट का शेड्यूल है जो पहली फ्लाइट है दो बजकर पचास मिनट पर पहुंचेगी उसका नंबर है एस वी सेवन थ्री टू यह एक्सपेक्टेड है और दूसरी जो फ्लाइट है पांच पैंतालीस पे पहुंचेगी बारह अगस्त दो हजार बीस को जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाहौर के लिए पी ए फोर सेवन वन ये एक्सपेक्टेड है ये भी पहुंचेगी और सेकेंड जो फ्लाइट है थर्ड फ्लाइट है दस बजकर पच्चीस मिनट पर पहुंचेगी जद्दा से लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसका नंबर है पी के एट सिक्स जीरो एक्सपेक्टेड है और उसके बाद जो फ्लाइट है वो अट्ठारह बज चालीस मिनट पर पहुंचेगी जद्दा से लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पी के सेवन सिक्स जीरो एक्सपेक्टेड है उसके बाद जो फ्लाइट का शेड्यूल है जद्दा से लाहौर के लिए एस वी सेवन थ्री एट ये भी एक्सपेक्टेड है बीस बज के पंद्रह मिनट पर ये लाहौर पहुंच जाएगी और सेकेंड उसके बाद जो 12 अगस्त 2020 को दमाम से लाहौर के लिए एक ही फ़्लाइट का शेड्यूल है जो बारह बज के पचास मिनट पर वहाँ पहुंच जाएगी एक्स वाई डबल एट थ्री एक्सपेक्टेड है और सेकेंड जो फ्लाइट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जद्दा से तकरीबन छः फ्लाइट का शेड्यूल है जो पहली फ्लाइट है पी के नाइन एट जीरो सिक्स ये एक्सपेक्टेड है बारह बज के तीस मिनट पर पहुँच जाएगी और सेकेंड जो फ्लाइट है एक बज के पंद्रह मिनट पर पहुंचेगी पी के सेवन फोर टू ये एक्सपेक्टेड है जद्दा से इस्लामाबाद के लिए और थर्ड जो फ्लाइट है जद्दा से पी ए टू सेवन थ्री ये एक्सपेक्टेड है पाँच पचास पर यह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी फ्रेण उसके बाद जो फ्लाइट है जद्दा से पी के नाइन सेवन सिक्स फोर ये भी एक्सपेक्टेड है सात बज के तीस मिनट पर पहुंच जाएगी उसके बाद जो फ्लाइट है आठ बज के पच्चीस मिनट पर पहुंचेगी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एस वी सेवन डबल टू ये एक्सपेक्टेड है उसके बाद इक्कीस बजे बारह अगस्त दो हजार बीस को एस वी ट्रिपल एट ये एक्सपेक्टेड है ये पहुंचेगी फ्रेंड उसके बाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रियाज से दो फ्लाइट का शेड्यूल है जो पहली फ्लाइट है पी ए टू सेवन फाइव है ये एक्सपेक्टेड है ये इंशाल्लाह नौ बज के दस मिनट पे पहुंच जाएगी और जो सेकंड फ्लाइट है रियास से इस्लामाबाद के लिए एस वी सेवन टू फोर है ये पंद्रह बज के पैंतालीस मिनट पे वहां पहुंच जाएगी और फ्रेंड दमाम से इस्लामाबाद के लिए सिर्फ एक ही फ्लाइट का शेड्यूल है बारह अगस्त दो हजार बीस को पी के नाइन टू फोर सिक्स है ये एक्सपेक्टेड है छह बज के तीस मिनट पे इस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी और फ्रेंड कराची के लिए मदीना से एक फ्लाइट का शेड्यूल है जिसका नंबर है पी के सेवन डबल फोर यह एक्सपेक्टेड है चार बज के दस मिनट पर बारह अगस्त दो हजार बीस को पहुंचेगी और फ्रेंड दमाम से कराची के लिए एक फ्लाइट का शेड्यूल है पर ये शायद कार्गो फ्लाइट है सिक्स एस वन सिक्स वन है यह मतवे है यह इन शाह कराची इंटर एयरपोर्ट पर दो बज के बीस मिनट पर पहुंचेगी और इसके अलावा कराची के लिए कोई भी दमाम से फ्लाइट का शेड्यूल नहीं है तो फ्रेंड ये वो तमाम पाकिस्तान के तीन चार बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे जिनकी कंप्लीट डिटेल मैंने आप सब दोस्तों के साथ शेयर की तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो इसको जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और सऊदी अरब की तमाम न्यूज से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो न्यूज से रिलेटेड इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से करेंसी एक्सचेंज रेट के हवाले से वो वीडियो आप सब दोस्तों तक पहुंच सके थैंक